गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, सो वाज देयर एनी मूव इन लास्ट क्लास? सो डन इनटेक एक्सरसाइज टू, राइट? सो इज इट डन? आपने कर लिया इंटेक्स एक्सरसाइज टू? किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन तो सारे इजी थे ना, कोई डाउट है गाइस? नो डाउट, तो लेट अस प्रोसीड देन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है. पीएच ऑफ 0.001 मोलर NH4OH. अच्छा एक बात बताओ, आई उसको सोचो, क्वेश्चन नंबर 5 में NH4OH एक बेस होता है, ये तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें आयुष? तो जब NH4OH बेस है तो जरा समझने की कोशिश करो कि बेस क्या करेगा, बताओ. पूरी तरह से आयनाइज होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तुम्हारे पास बेस का पीएच जो है वो 7 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बेसिक है. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर, तो ये 10^-3 मोलर हो गया, राइट? तो अब NH4OH जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा क्या? गाइस जरा समझने की अपन इस चीज को कोशिश करेंगे कि एक पूरी, जैसे ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता तो इसका पीओएच आ जाता 3 और पीएच आ जाता 11, बट ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, राइट? ठीक है, तो जब ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका पीओएच 3 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, बताओ. एवरेडी इसका पीओएच 3 से कम आएगा या ज्यादा? ज्यादा आएगा, ये समझ में आ रहा है? और पीएच 11 से कम आएगा. अरे पीओएच ज्यादा आएगा 3 से, ये समझ में आया गाइज? आर वी क्लियर? पीओएच 3 से ज्यादा क्यों आएगा, समझ में आया? सी बेसिकली यदि आयनाइज कम होगा, जैसे मान लो 10^-3 प्रोड्यूस करता है H+, अब उसकी जगह 10^-4 प्रोड्यूस करेगा, तो इससे कम प्रोड्यूस करेगा, तो पीओएच तो नेगेटिव लॉगरिदम होता है ना, ये समझ में आया? 10^-3 से छोटा होगा तो पीओएच बढ़ जाएगा. इससे कैलकुलेट करने के बाद 11 आता है, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है आयुष, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना. गाइस तो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा ना ये. आगे बढ़े. अब देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, सलोनी 7th में भी डाउट है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. देखो अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा NH4+ और OH-, अमोनियम क्लोराइड भी क्या देगा? NH4+ और Cl-. तो तुम्हें नहीं लगता NH4+ दोनों केस में कॉमन है? एवरीडी ये दोनों कॉमन है, राइट? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका भी C1 है, सॉरी C2 है, तो ये C2+C1 हो जाएगा ना, तो Q ग्रेटर देन K होगा, तो रिएक्शन पीछे जाएगा, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर हुआ? इट्स लाइक एडिंग एन आयन एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन पीछे शिफ्ट मारेगा, तो अब ये भी C2 था, तो अब ये -X हो जाएगा. क्लियर है? और बताइए, किसी को और सेकेंड भी डाउट है? चलो नहीं, ये क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया ना? ठीक है, पीएच बोल आपको बोला गया है 10^-3 नॉर्मल KOH. तो देखो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका पीओएच आएगा आपका 3, तो पीएच आपका आएगा 11. क्लियर हो गया?
कॉमन आयन इफेक्ट का रोल इसलिए नहीं था क्वेश्चन वन में सलोनी, बिकॉज दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसलिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन सेवन। अच्छा ये क्वेश्चन तुमने लास्ट क्लास में किया था ना, 10^-10 मोलर NaOH है, तो यहाँ पे मेन हीरो तो वाटर ही होगा राइट, तो ऑलमोस्ट pH 7 ही आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है फाइन। तो अब देखो अपना जो टॉपिक है, हमने क्या किया था, हमने पीएच निकाला स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, फिर हमने पीएच निकाला वीक एसिड के लिए, फिर हमने निकाला मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और फिर गाइस हमने सीखा है कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पीएच कैलकुलेशन फॉर अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। मतलब बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, नॉर्मली हम दो ही लेते हैं, उनका पीएच निकालेंगे। तो अब बताओ दोनों एसिड वीक हैं, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आयन इफेक्ट होगा, दोनों साइड हीरो हैं, तो एक की प्रेजेंस से दोनों दूसरे की क्या मतलब हीरोगिरी कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो ये किसका केस होगा बताओ, एलडीडी व्हाट विल बी दिस केस, इसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है? एवरीडी ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे केस हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई साइड हीरो है और कोई मेन हीरो है, दोनों ही हीरो हैं और दोनों की हीरोगिरी चलेगी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है HA जो कि डिसोसिएट होता है इस तरह से H+ और A-। ठीक है, दूसरे R मिल गया तुम्हें HB, ये डिसोसिएट होता है H+ और B-। ठीक है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 लिख देते हैं, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 लिख देते हैं। तो कौन सा अप्रोच यूज करना चाहोगे, चार्ज बैलेंस यूज करें या कन्वेंशनल अप्रोच यूज करें बताओ एवरीबॉडी? चार्ज बैलेंस यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा अपने लिए, कन्वेंशनल अप्रोच यूज करें। देखो कन्वेंशनल अप्रोच थोड़ा सा लंबा है, C1α1+C2α2 हो जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीडी ये समझ में आया कैसे लिख दिया हमने C1α1+C2α2 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया की तरह ना? ये समझ में आया सबको गाइस? तो लिख लीजिए पहले, राइट इट डाउन देन। डन।
यहाँ पे स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगी, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, स्ट्रेस दोनों ही वीक है ना, स्ट्रेंथ मैटर कर तो रही है, एक यदि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो हम कॉमन एन इफेक्ट लगा देते, ठीक है, बट दोनों रिलेटिवली वीक ही है, इज दैट क्लियर? दोनों जो एच प्लस दे रहे हैं, दोनों का जो कॉमन आयन है सी वन अल्फा वन और सी टू अल्फा टू, ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मान लो कोई एक बहुत ज्यादा होता दूसरे से तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग जाता ना। हाँ, वहां पर नहीं लगाओगे कॉमन आयन इफेक्ट। एक मान लो बहुत ज्यादा दे रहा है एच प्लस आयन और दूसरे कम दे रहे हैं तो उसमें लगा देंगे कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है? मतलब बेसिकली ये लिख लिया है सबने, गाइज रिटन। अच्छा, ये कैसे इक्वेशंस लिखे हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? दो एसिड अज्यूम करी है एच एच बी, उसके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स के ए वन और के ए टू लिखा है, ठीक है ना? ओके, आप जरा समझते हैं इस चीज को कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के लिए होना ये चाहिए कि सी वन अल्फा वन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सी टू अल्फा टू, या फिर रूट अंडर के ए वन सी वन शुड बी इक्वल टू रूट अंडर के ए टू सी टू। मतलब कॉमन आयन दोनों में ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहा है, मान लो 10 गुना से ज्यादा है तो तुम कॉमन आयन इफेक्ट यूज कर सकते हो। अब जरा समझते हैं इस चीज को कि इसको लिखेंगे कैसे। कन्वेंशनल अप्रोच के तहत चलेंगे तो के ए वन आएगा सी वन अल्फा वन, सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू अपॉन सी वन वन माइनस अल्फा वन। तो जो एसिड वन का के ए है, के ए वन सी वन वन माइनस अल्फा वन, इसको अपन लिख सकते हैं सी वन अल्फा वन सी टू अल्फा टू प्लस सी वन अल्फा वन, ये हो गया इक्वेशन वन। इसमें कोई दिक्कत है गाइस? क्लियर है ना ये? ठीक है, उसी तरह दूसरे के लिए हमने डिफाइन किया के ए टू सी टू अल्फा टू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू डिवाइड बाई सी टू वन माइनस अल्फा टू, तो आ जाएगा के ए टू सी टू वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू सी टू अल्फा टू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू। अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, देखो तुम्हें क्या मिलेगा फिर। के ए वन सी वन अल्फा वन वन माइनस, सॉरी ये आएगा आपको के ए वन सी वन वन माइनस अल्फा वन प्लस के ए टू सी टू वन माइनस अल्फा टू, ये आपको मिलेगा सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू का होल स्क्वायर। ये समझ में आया एवरीडी? ये समझ में आया कैसे आए? तो अब जो है सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू ही एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस का है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर के ए वन सी वन वन माइनस अल्फा वन प्लस के ए टू सी टू वन माइनस अल्फा टू। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। के ए वन और के ए टू कैसे लिखा? के ए वन मैंने माना है कि ये जो एसिड है एच ए, उसका एक डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए वन है, और इसको एच के ए टू लिखा है। तुम कुछ और लिख दो, तुम कुछ और कन्वेंशन यूज करना चाहते हो क्या? मैंने अज्यूम किया है कि एच ए का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए वन है, उनका इक्वेशन, अरे उनका इक्वेशन तो यही होगा ना, एच प्लस इंटू बी माइनस अपॉन एच बी। तो एच प्लस सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू है, और बी माइनस सी टू अल्फा टू है, और एच बी सी टू माइनस सी टू अल्फा टू है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। अभी क्लियर है आयुष? तो बेसिकली उड़ गया यार, उड़ना तो नहीं चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, चिड़िया उड़ गई। कर रहा हूं रिपीट, डोंट वरी। ये सबने लिख लिया, ये पहले लिख लीजिए आप लोग।
डन। Now done. Okay, fine. तो देखो basically किया क्या है हमने, let us try and understand this. सबसे पहले KA1 लिखी है इस equation के लिए, ठीक है? इसके लिए अपन लिख दिया KA2. यहाँ कोई दिक्कत है? KA1 और KA2 कैसे लिखा हमने? Guys, is that clear? ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एच प्लस निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन तो बेसिकली पीएच निकालना है ना. हमारा टॉपिक यही है कि दो एक मिक्सचर है वीक एसिड का, तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे, दैट इज आवर कंसर्न, राइट? तो ऑब्वियसली हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे जिससे हम निकाल सके. आसान तरीका था चार्ज बैलेंस, लेकिन तुम लोगों ने तो बोला कि वो नहीं देखना है, राइट? तो मैं डिफिकल्ट मेथड से ही जाना था, तो इसमें कैलकुलेट करते हैं फिर. तो KA1 लिखेंगे क्या? तो KA1 देख लो, K1 कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA मतलब H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, तो हमने उसके हिसाब से इक्वेट किया, तो ये इक्वेशन बना, फिर ये इक्वेशन बना, राइट? इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया. अब ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें H प्लस चाहिए था, जो कि Ce1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 था. इज दैट क्लियर? तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन ही है, वही डिफिकल्ट लग रहा है ना बच्चों को कि कैलकुलेट इतना ज्यादा करना पड़ रहा है. तो फिर अभी H प्लस हमें चाहिए था, हमें पीएच निकालना है, हमारे को H प्लस मिल गया. अब नॉर्मली 1 माइनस अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लोगे और 1 माइनस अल्फा 2 को अप्रोक्सीमेटली 1 मानोगे, तो तुम्हारा H प्लस आ जाएगा रूट अंडर KA1C1 प्लस KA2 C2. ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं. एवरीबॉडी आगे बढ़ सकते हैं. फॉर्मूला याद रहेगा नहीं? देखो चार्ज बैलेंस से करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा. इफ यू सॉल्व इट यूजिंग चार्ज बैलेंस देन इट विल बी वेरी इजी. जैसे तुम्हारे पास एसिड है HA, इस तरह से डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस, दूसरा एच बी है H प्लस और B माइनस, इस तरह से डिसोसिएट होगा, राइट? अब KA1 अपन लिखते हैं तो वो आएगा, ऊपर स्क्रॉल करें. ओके राइट ऑन देम. तो डन. ओके तो यहां पे जो KA1 आएगा H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच आएगा, जो KA2 आएगा वो H प्लस इंटू बी माइनस अपॉन एच बी आएगा. अब देखो यहां पे क्या है, H प्लस इज इक्वल टू ए माइनस प्लस बी माइनस, ये समझ में आया सबको? और ए माइनस आएगा ये देखो, ए माइनस क्या है ये, और B माइनस क्या है,
ये इक्वेशंस भी तो समझ में आया ना, ए माइनस और बी माइनस को लिख दिया हमने कैसे, ये समझ में आया कैसे लिखा हमने, इन इक्वेशन से लिखा है इससे और इससे, क्योंकि देखो हमें तो निकालना है एच प्लस, राइट, हमें तो सिर्फ पीएच निकालना है, तो हमें एच प्लस चाहिए, तो हम सबको एच प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब देखो क्या आएगा, ए माइनस आ गया तुम्हारा के ए वन इंटू एच ए अपॉन एच प्लस, राइट। और ये आएगा के ए टू इंटू एच बी अपॉन एच प्लस, तो अब एच प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि आएगा के ए वन एच ए, और ये आ जाएगा के टू एच बी। तो एच प्लस क्या आ गया एवरीबडी, रूट अंडर के ए वन एच ए प्लस के ए टू एच बी, तो यही आएगा ना के वन सी वन के ए टू सी टू, आ तो गया, क्लियर है रेडी? ये ज्यादा आसान है या मुश्किल लगा तुम्हें? ये ज्यादा आसान है, राइट? राइट बंदन, इससे मतलब H प्लस आ गया, तो इससे H प्लस से फिर H प्लस से कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, उसका उससे पीएच निकालोगे, आसान है ना? मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोग रहते हैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ऑलवेज वैलिड होगा, ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस ऑलवेज वैलिड है। डन एवरीवन, ओके। तो एच प्लस आएगा रूट अंडर के ए वन सी वन प्लस के ए टू सी टू, वेट करो, ठीक है वेट करता हूँ। डन, ओके। देखो अब ये तो हो गया, अब मान लो तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ एसिड है, एन नंबर ऑफ वीक एसिड्स, यदि तुम्हारे पास बहुत सारे वीक एसिड्स हैं एन नंबर, तो एच प्लस क्या लिखेंगे इस केस में बताओ, के ए वन सी वन प्लस के ए टू सी टू, इस तरह से चलता रहेगा, राइट? तो इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, समेशन रूट अंडर के ए आई सी आई, आई कहां भी वन से लेके एन तक हो, समेशन लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है? उसी तरह से फॉर अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस का मिक्सचर होगा तो क्या करेंगे गाइस, ओ एच माइनस will be summation of इसी तरह से वन से लेकर के एन तक के बी आई सी आई, ये समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिख लो, ठीक
समेशन रूट के अंदर क्या आना चाहिए, बाहर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रूट के अंदर लिखना चाहते हो लिख दो, उसके अंदर समेशन रूट के अंदर लिखना चाहते हो लिखो, यू वॉन्ट दिस राइट। हाँ हाँ चलेगा, कर लो इसको ही कर लो। याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो। ये लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समेशन रूट के अंदर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके डन फाइन। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इलस्ट्रेशन 16 करोगे क्या? इलस्ट्रेशन 16, दिस इज ऑन पेज नंबर 9.10, या मैं अलग से क्वेश्चन खुद दे दूं, क्या बोलते हो? अलग ही देता हूँ, ठीक है अलग ही देता हूँ। चलो फिर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जिसमें क्या है, 1 मोलर है एसिटिक एसिड, के ए आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁴, और साथ में आपके पास 1 मोलर HCOOH है। इसको 1 कर देता हूं और इसको कर देता हूं के इसका 8 × 10⁻⁴, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको ये भी निकालना है एसीटेट आयन कितना है और ये वाला आयन कितना है, ठीक है। डन अगर सी बहुत आसान है, आपको H प्लस तो यही मिलेगा ना, Ka1C1 का रूट, तो ये 10⁻⁴ × 1 + 8 × 10⁻⁴ × 1 आएगा, तो ये आएगा रूट अंडर, ये आ जाएगा 3 × 10⁻², इज दैट क्लियर? तो पीएच कितना आ रहा है बताओ, 1.53 आ रहा है पीएच आपका, 2 − log 3 आ रहा होगा ना, 2 − log 3, तो 1.53 आ गया। पीएच में किसी को दिक्कत है?
पीएच में किसी को दिक्कत है क्या? इज दैट क्लियर? फाइन। अब यार अब ये इतना आ गया है तो फिर इतना टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अब जो है ऑलमोस्ट जरा समझने की कोशिश करो, एसीटेट आयन कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 3 × 10^-2। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 मान ही सकते हैं क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है, तो ये निकल जाएगा। तो एसीटेट आयन × 3 × 10^-2 / 1 इज के 10^-4। तो अब तो आ ही जाएगा ना, 1/3 × 10^-2। गाइस इज दैट क्लियर? ठीक है फिर राइट डाउन। ऑब्वियसली Ka1C1+√Ka2C2 था ना, तो C1C2 तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन लिए थे ना हमने आदित्य। C1C2 याद करो, फॉर्मूला में क्या अज्यूम किया था हमने? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HA का C1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HB का C2, राइट? तो तुम बताओ CO- का क्या आएगा? इसी तरह से यूज कर लो। यहां तक लिख लिया सबने? देखो HCOOH है, H+ और COO-, ये भी आपका 1 है, ये भी 3 × 10^-2 है, और इसका K आपको 8 × 10^-4 दे रखा है, तो वो 3 × 10^-2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO- / 1 आ जाएगा, राइट? तो ये आएगा आपका आंसर। अब क्लियर ऑलरेडी? ओके तो लिख लीजिए इसको। हाँ ये HCO- है, HCO-, एक गलती हो गया, HCOO- है वो, HCOO-, यहाँ H छूट गया है वो, ठीक है? ठीक है गाइस, दैट इज HCO-, ऑब्वियसली CO- वो गलती से लग गया। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए ना, यदि मान लो कि जैसे एक चीज ध्यान देना, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग, इस तरह से कोई पूछे 1 molar 1 liter एसिटिक एसिड, वेट करूं? ओके ठीक है। डन फाइन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 molar 1 liter CH3COOH एंड 1 molar 1 liter HCOOH, ठीक है? 1 molar 1 liter CH3COOH और 1 molar 1 liter HCOOH, इनको मिक्स करना है और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसका पीएच निकालना है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब इनको मिक्स करोगे ना तो वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा,
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2 लेना पड़ेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2 लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ऐसे केसेस में? तो ये एक नया बन जाएगा कुछ, तो ये कंफ्यूजिंग कर देते कई बार बच्चे इसको। जैसे पिछले बार मैंने 1 मोलर लिखा हुआ था, इन्हें सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद 1 1 था, लेकिन यदि इसको ऐसे मिक्स करेंगे ना तो आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हाफ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मान लो इसका Ka1 है और इसका Ka2 है, तो इस बार जब आप निकालोगे ना H+, सो यू विल राइट 1/2 Ka1 + 1/2 Ka2 इंस्टेड ऑफ 1 × Ka1 एंड 1 × Ka2, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप फाइनल मोलारिटी ऐसे ही निकालेंगे, M1V1 upon M1V1 + M2V2, हर किसी के लिए। आगे बढ़ सकते हैं, यही बताना था मुझे। बेसिकली ये एक कैच है जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? लिख लीजिए फिर इसको यदि आप लिखना चाहते हैं तो। 1/2 का लॉजिक नहीं समझ में आया? अरे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर 1 लीटर, 1 मोलर 1 लीटर, तो टोटल पानी 2 हो गया ना, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर हुआ ना। अरे एसिटिक एसिड का तुमने 1 लीटर मिक्स किया है और फॉर्मिक एसिड का 1 लीटर मिक्स किया है, तो जब मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम जो है वो तो 2 लीटर हो जाएगा। अब वही 1 मोल एसिटिक एसिड तो 2 लीटर पानी में होगा ना, तो एसिटिक एसिड के मोल एक ही है लेकिन पानी 2 हो गया, तो 1/2 हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर नाउ? ऑब्वियसली पानी तो 2 लीटर हो गया ना। आसान है ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली गाइस व्हाट वी हैव लर्न्ड, अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स के लिए वो तो यही है। इसमें आई थिंक सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएंगे क्या? 1 सेकेंड वेट करो, ठीक है इसको लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन से तो 1H+1 होगा ना, हाँ 1 - H+ नहीं होगा सोनाली, आई कम टू योर पॉइंट, डोंट वरी। सी सोनाली आई कम टू योर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमने लिखा है H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज रूट अंडर Ka1C1 + Ka2C2। बेसिक चीज तो हमने यही पढ़ी। सोनाली हैज अ क्वेश्चन कि सपोज CH3COOH डिसोसिएट होता है, राइट? यदि ये CH3COOH डिसोसिएट होता है तो अब जरा सोचो, ये C1α1 था, मतलब दिस इज C1 1 - α1, ये था C1α1 + C2α2 और ये था C1α1। इसमें किसी को डाउट है? तो अब ये जरा समझने की कोशिश करो, ये C1 1 - α1 है, C1α1 + C2α2 है और ये C1α1 है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली C1 था, ये 0 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? C1 - C1α1 + C, ऐसा लिख सकते हैं सर? सोनाली ये तुम्हारा डाउट है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? नहीं लिख सकते ना, 1 - α1 इज ऑलमोस्ट, अल्फा बहुत छोटा है, तो हम इसको हम C1 लिख देते हैं डायरेक्टली। बेस्ट अजम्पशन तो यही है ना सोनाली, इज दैट क्लियर नाउ? सोनाली इज दैट क्लियर? ठीक है तो अब आगे बढ़ जाए। ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ये हम नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। अगर 2 3 लीटर होगा तो कैसे करेंगे? उसका कुछ डाउट था कि सोनाली वाज सेइंग कि क्या हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड को ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 - कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो मैंने बोला नहीं लिख सकते हैं, और क्यों नहीं लिख सकते हैं वो मैंने समझाया उसे।
ठीक है। अरे वही तो रीजन देकर दिया मैंने, ये देखो ना ये वैल्यू जो है वो तो दोनों आयन से आ रही है ना, ये इसका डिसोसिएट हुआ ही नहीं पूरा, तो ये कैसे लिख दोगे तुम? तुम ये लिख सकते थे, तुम यदि अजम्पशन करना चाहते हो तो ये लिख सकते हो CH3COO- ये लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ इसी से डिसोसिएट होकर के आ रहा है। H+ तो दो दो आयन से आ रहा है, राइट, कॉमन है उसके अंदर, फाइन। ओके अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बेसिक है ना, यहाँ पर बेसिकली हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि H+ जो होगा वो समेशन होगा रूट अंडर KICI का, और कुछ तो है नहीं, तो ये याद रहेगा ना गाइस। अब कोई बच्चा ऐसा पूछ रहा है कि सर ऐसा हुआ कि 2 मोलर 3 लीटर एसिटिक एसिड को मिक्स किया, सपोज 3 मोलर 4 लीटर HCOH के साथ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे बताओ? एवरीबडी, 2 × 3 upon 2 × 3 + 3 × 4, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 3 × 4 upon 2 × 3 + 3 × 4, ये समझ में आ रहा है सबको? ये हो जाएगा 6 + कितना ऐसा, वन बाई थ्री, 2/3, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम गाइस, कैन वी टेक अप नेक्स्ट टॉपिक नाउ? फाइन, ओके, वेट, आई एम वेटिंग सी दिस राइट नाउ। ओके डन, फाइन। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स और बेसिस। वेट करूं, राइट ऑन दिस। डन, हाँ बोलो सर, क्या नोट है? अनम्यूट करो, ठीक है। हाँ सर, सर मेरे को ये डाउट था कि नीचे तो हम लोग टोटल वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम तो 7 लीटर है, तो फिर वो 2 × 3 + 3 × 4 क्यों किया? अरे नहीं, सॉरी सॉरी, मैं अपना फॉर्मूला क्या था, ये गलत है फिर, सॉरी। V1 + V2 होता है ना वो, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा 3। नहीं, ये सही है तुम्हारी बात, दिस विल बी 3 + 4, ये नीचे 7 होगा और यहाँ भी 7 होगा। हाँ ये गलत किया हमने, ये 6/7 और ये 12/7 होगा। फॉर्मूला यही था ना अपना, सही है, ये मिस्टेक कैलकुलेशन की है, M1 V1 upon V1 + V2 और यहाँ M2 V2 upon V1 + V2, फॉर्मूला तो हमने लिखा ही था, टोटल वॉल्यूम हमें लिखना है वहां पे कंसीडर करके।
यहाँ पे भी आप करो यही, ठीक है गाइस। हाँ ये मिस्टेक थी भाई, ये तो ध्यान देना ही होगा। बेसिकली टोटल मोल्स इसके हो जाएंगे 6 और टोटल वॉल्यूम हो गया कितना 7, तो 6/7 होगा, ये मिस्टेक है। और यहाँ पे 3 × 4 और यहाँ पे भी 3 + 4 होगा। फाइन एक और कर लेते हैं यदि इसमें कंफ्यूजन अभी भी है तो। सी जैसे 1 मोलर 4 लीटर है एसिटिक एसिड, जिसको आपने मिक्स किया है 5 मोलर 6 लीटर HCOOH के साथ, तो इसके मोल्स कितने हैं बताओ? 4 है और इसके मोल्स कितने हैं? 30 है, राइट। तो अब 4 मोल अपॉन कितना वॉल्यूम? 10 लीटर। और इसके 30 मोल्स अपॉन कितना वॉल्यूम? 10 लीटर। तो इस तरह से निकालें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक था, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है गाइस। एवरीडी इज इट क्लियर नाउ? किसी को डाउट है क्या अभी भी? ठीक है फाइन, तो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब सिंपल सा है, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। तो ये तो डाइमेंशनली भी, हाँ डाइमेंशनली तो कुछ नहीं आ रहा है ना ये, तो तुम डाइमेंशनल एनालिसिस करोगे तो भी ये गलत ही है, क्योंकि मोल बाय मोल कट जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन आ रहा है। फाइन आगे बढ़ जाते हैं। विश्वराज इज आस्किंग 10 कहाँ से आया? देखो यहाँ पर 4 लीटर है और यहाँ 6 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम 10 लीटर हो गया ना। क्लियर है विश्वराज? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी अपना टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स और बेसिस। हमारे पास दो बोल सकते हो वीक एसिड हैं या फिर वीक बेसिस हैं, और हमें उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है, ऑब्वियसली अलग अलग सॉल्यूशंस में है। अब देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये C1, ये 0 0, ये C1 - C1 alpha 1, ये C1 alpha 1 और ये C2 C1 alpha 1, सॉरी। और दूसरा है HB, ये C2 C2 - C2 alpha 2, C2 alpha 2 C2 alpha 2। अब देखो H+ कमिंग फ्रॉम HA अपॉन H+ कमिंग फ्रॉम HB, ये हो जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। मैं इसको RS लिख देता हूँ, चलेगा एवरीडी? एवरीडी ये चलेगा। एंड दे आर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, ये हैं अलग अलग सॉल्यूशन में, मिक्स साथ में नहीं किया हमने, ये अलग अलग सॉल्यूशंस में है, हमने मिक्स नहीं किया है। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है RS, उसको हम लिख सकते हैं क्या? C1 alpha 1 upon C2 alpha 2, या फिर क्या लिख सकते हैं? Ka1 C1 under root का Ka2 C2। ये समझ में आ रहा है ना कि H plus और A minus as per Ostwald's dilution law, ये root under Ka into C आता है। कुछ याद आ रहा है Ostwald dilution law? pH calculation of weak acid। फाइन, तो ये तो बहुत आसान है ना, ऑस्ट्रोल डिल्यूशन लॉ का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो इसको लिख लीजिए, तो बहुत आसान चीज है।
डन एवरीवन, ठीक है। नीचे सी टू अल्फा टू है, दिस इज सी टू अल्फा टू, ठीक है आयुष। रिलेटिव स्ट्रेंथ आर एस इन डिफरेंट सॉल्यूशंस लिखा है यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू सी वन अल्फा वन अपॉन सी टू अल्फा टू, इट इज इक्वल टू रूट अंडर के ए वन सी वन अपॉन के ए टू सी टू। आर एस के नीचे तो डाइन लाइन बनाया मैंने बताने के लिए, ये एरो लिया है मैंने, ये बताता हूँ कि लाइन चेंज हो रही है। रिएक्शन के नीचे ये डबल एरो रिवर्सिबल का साइन, C1 ये C1 माइनस C1 अल्फा 1, ये C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1, C2 C2 माइनस C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि अल्फा 1 इक्वल है अल्फा टू के, राइट, तो अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आएगा? यदि अल्फा वन अल्फा टू इक्वल हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगा सी वन बाय सी टू या फिर रूट अंडर के ए वन अपॉन के ए टू। क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी क्लियर? C1 C1 is equal to C2 है ना, तो ये देखो क्या है, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू लिखा है हमने, तो C1 by C2 आएगा और इधर क्या है के ए वन सी वन के ए टू सी टू। हाँ एक काम करते हैं, एक और केस ले लेते हैं, यहां पर कट नहीं रहा है, हर जगह अल्फा वन है ना, तो यदि यदि सी ए वन यदि सी ए वन सी वन और सी टू इक्वल है तो क्या होगा उस केस में देखते हैं। यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा अल्फा वन बाई अल्फा टू जो कि आएगा रूट अंडर के ए वन बाई के टू के। तो ये ज्यादा अच्छा अजम्पशन है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रख दो, अल्फा वन अल्फा टू तो सेम नॉर्मली नहीं होगा, राइट, ये ज्यादा अच्छा अजम्पशन है। एक जनरल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सबसे ज्यादा को मिक्स किया तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे वीक बेस, सबसे वीक बेस कौन होगा बताओ, विश्वराज इज आस्किंग, सबसे वीक बेस कौन होगा, न्यूट्रल होगा जो, वाटर, तो क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा वीक बेस यानी वाटर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज HCl H2SO4 तुम डालोगे तो क्या होगा, डिस कुछ नहीं होगा, जैसे एसिड में पानी डालने वाली बात, तुम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे वीक बेस का रिएक्शन कराओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं होगा ना श्रेयस। अरे एसिड और बेस में कॉमन है कुछ श्रेयस, एसिड और बेस में कुछ कॉमन है क्या, तो कहां से कॉमन आयन इफेक्ट होगा। उसका सवाल यह है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे तुमने सपोज HCl को ऐड किया कोई वीक बेस से, अच्छा NH3 का केस में तो रिएक्शन हो जाएगा ना, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, NH4Cl बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फाइन, अभी देखो हमने एसिड एसिड का कंसंट्रेशन, मतलब एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, फिर वीक एसिड देखा है, राइट, आगे की बात हम करने वाले हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे और भी चीजें होने वाली है ना। ये लिख लिया सबने, रिटन एवरीवन, ओके। NH3 आ रहा है गूगल पे वीकेस्ट बेस, नहीं ऐसा नहीं है, और भी वीक बेस होते हैं उससे। अभी बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। तो देखो अभी तक हमने जो किया है ना, हमने पढ़ा है क्या, एक तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर पढ़ा है स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा,
फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया वीक एसिड के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया वीक बेस के साथ। फिर हमने पढ़ा वीक एसिड का मिक्सचर, वीक एसिड वन प्लस वीक एसिड टू। फिर हमने पढ़ा वीक बेस वन प्लस वीक बेस टू। इतना ही पढ़ा है ना गाइस? और भी केसेस बन सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है और केसेस नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना, तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे आगे, तो आगे बढ़ जाएं। देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड समझते हो ना, जो एक से ज्यादा बार डिसोसिएट होता है, ठीक है? ऑब्वियसली बन सकते हैं, हम लोग देखेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। विल सी दोज केसेस, नो इश्यूज, फाइन। तो अभी पॉलीप्रोटिक एसिड्स के एग्जांपल में लेट अस से वी हैव H3PO4। तो बताओ H3PO4 कितनी बार डिसोसिएट होगा? एवरीडी H3PO4 कितनी बार डिसोसिएट होगा? 3 बार डिसोसिएट होगा, राइट? तो अब देखो होता क्या है, H प्लस और H2PO4 माइनस, ऐसा डिसोसिएट होगा। फिर H2PO4 माइनस जो है वो फर्दर डिसोसिएट होगा H प्लस और HPO4 2 माइनस। HPO4 2 माइनस जो है वो डिसोसिएट होगा H प्लस और PO4 3 माइनस। अच्छा ऐसा देखो, ये तो हम जानते हैं ना कि Ka1, Ka2 और Ka3 में सबसे ज्यादा हमें ये तो पता है कि Ka1 ग्रेटर होता है, Ka2 ग्रेटर होता है, फिर Ka3 सबसे छोटा होता है, राइट? और Alpha1 ग्रेटर होता है Alpha2, और सबसे कमजोर होता है Alpha3। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है गाइस, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसकी बात अपन कर चुके थे। अब इसका pH कैसे निकालना सिखाएं तुम्हें? आसान तरीके से सीखना चाहते हो या फिर कैलकुलेट करके बड़ा मुश्किल तरीके से? बताओ, पिछले बार तो तुमने मुश्किल तरीका ही चूज किया था। ठीक है, तो देखो आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक्चुअली में अभी पानी में ये भी एग्जिस्ट करता ही है, ये भी एग्जिस्ट करता ही है, और ये भी एग्जिस्ट करता ही है, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। पानी में ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पानी में तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपने पास एक्चुअली में तीन एसिड है। कौन सा एसिड है? पहला एसिड नंबर वन, पहला एसिड हो गया आपका H3PO4, ठीक है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है। दूसरा एसिड कौन हो गया गाइस? दूसरा एसिड हो गया अपना H2PO4 माइनस, जिसका है Ka2। और तीन एसिड हो गया अपने पास, एसिड थ्री हो गया HPO4 2 माइनस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है Ka3। आसान है, मुश्किल है? अब ऐसा बोल सकते हैं ना, अपने पास तीन एसिड हो गए, तो अब तीन एसिड के लिए क्या लिखते हैं हम? बताओ H प्लस क्या लिखेंगे? Ka1 इंटू C1, यानी कॉन्सेंट्रेशन एसिड वन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4, प्लस Ka2 इंटू C2, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एसिड टू H2PO4 माइनस, प्लस Ka3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड थ्री। ये अभी तुम्हें आसान लगा या डिराइव करके दिखाऊं? फिर लंबा चौड़ा अल्जेब्रिक इक्वेशन मान के लिख लिख के दिखाऊं, ये ज्यादा आसान लग रहा है? ये तो आसान है ना, ये आसान है बहुत। दूसरा तरीका है, फिर से वैसे ही C1 C2 C3 वाला फॉर्मूला यूज करके लगा दिया सीधा। तीनों तो वीक एसिड ही है ना एवरीबॉडी, तीनों वीक एसिड ही तो है, तो वीक एसिड का मिक्सचर बना दिया इसको और लगा दिया सीधा सा फॉर्मूला, कहानी इधर ही खत्म हो गई। Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3 कहां से आया? अच्छा याद करो, हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना एवरीबॉडी। Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3 हमने कहां से पढ़ा गाइस? एवरीबॉडी बताइए, Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3 कहां से पढ़ा हमने? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, याद आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये कम स्टेबल है, और ये सबसे कम स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है,
और रिलेटिव स्टेबिलिटी अनस्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे थे, इसके वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कम होते जा रहे थे। इज दैट क्लियर भावेश? तो अब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब डिसोसिएट होने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी। तो एसिड ये सबसे अच्छा और बेस सबसे अच्छा, ये हमने बात करी थी राइट। क्लियर है? अच्छा, इस चीज को मैं और मेथड से डिराइव करूं या फिर इतना ही काफी है तुम्हारे लिए? डू यू वांट मी टू डिराइव थ्रू अदर मेथड्स आल्सो? ये सबसे आसान तरीका था। H3PO4 वीक एसिड कैसे? क्योंकि इसका के ए कम होता है, पहला रीजन तो ये है कि इसका के ए कम होता है, ठीक है। H3PO4 को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलोगे? हाँ, ऑब्वियसली के ए की वैल्यू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल है PO4 3-, इसलिए उसकी के ए सबसे कम होगी, दैट इज द रीजन, और अल्फा भी कम होगी। और किसी को क्या? विश्वराज इज आस्किंग, अगर उनमें से पानी में अवेलेबल नहीं हुआ तो? पानी में तो अवेलेबल होते हैं ना तीनों आयंस, इसकी बात तो हम लोग कर ही चुके थे ना कि वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये फंडामेंटल डाउट्स वापस क्यों आ रहे हैं आप लोग? जैसे अपन ये सारी बातें तो पहले ही कर चुके हैं ना कि एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो एसिटेट आयन भी होगा, एसिटिक एसिड भी होगा, H+ भी होगा। कोई डिफरेंट, मतलब क्या डिफरेंट चाहते हो तुम? वीक एसिड के केस में तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं ना, इसीलिए तो इक्विलिब्रिया बोलते हैं। ये लिख लिया सबने? इसमें किसी को डाउट है? अलग अलग रेशियो ही होता है, अलग अलग ही होता है ना रेशियो, इसलिए तो बता रहा हूं कि Ka1 सबसे ज्यादा है और Ka3 सबसे छोटा है। गाइज, इज दैट क्लियर? अब इसको और मेथड से बताऊं, ये जो डेरिवेशन किया है इसको और मेथड से करके दिखाऊं या ये काफी था? ये बता दूं मुझे। डू यू वांट मी टू यूज अदर मेथड्स आल्सो? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, कौन से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात कर रहे हो यार भावेश? व्हाट डू यू वांट टू से? तुम्हारा डाउट क्या है? के ए की वैल्यूज तो एक्सपेरिमेंटल ही होगी ना, ऑब्वियसली के ए एग्जाम में तुम्हें दिया रहेगा। के ए की जो वैल्यू वो तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल ही होगी, उसमें क्या है, बट हम थ्योरेटिकली कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा, और यहाँ पे हम पीएच निकालते हैं आयनिक में, राइट? देखो, वैसे तुम चाहो तो ये एक्सप्रेशन चार्ज बैलेंस से भी निकाल सकते हो, और तुम यदि चाहो तो फिर नॉर्मल क्वाड्रेटिक जैसा बना करके भी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चार्ज बैलेंस में क्या होगा? चार्ज बैलेंस में तुम वैसे ही कर दोगे, H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो H2PO4- प्लस HPO4 2- प्लस PO4 3- हो जाएगा। फिर इसको इक्वेट करोगे तो वही इक्वेशन आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसकी तुम लोग बोल रहे हो जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, अभी इन चीजों में कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, तो अब देखो हमने क्या सीखा है। H+ जो आएगा वो बेसिकली आएगा हमारे पास Ka1C1। स्क्रोल अप करूं, कर दिया स्क्रोल अप। Done, Siddesh? Last statement, ये वाला, ये charge balance के through लिख दिया है,
तो इंटायर पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इंटायर नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली चार्ज बैलेंस है बेस, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो H प्लस जो है उसको अपन कैसे लिख रहे हैं, के ए वन इंटू सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू प्लस के ए थ्री इंटू सी थ्री, ठीक है गाइस? तो ये तो एक अपना रिलेशन हो गया। अब देखो होता क्या है कि नॉर्मली के ए वन बहुत ज्यादा बड़ा होता है के ए टू से, और के ए थ्री सबसे छोटा होता है, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होती है, समझ में आ रहा है? ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होती है, तो हम क्या लिखते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं क्या, के ए वन इंटू सी एवरी, हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं। तो अब होगा क्या, इसका पीएच जो है वो हम क्या लिखेंगे, हाफ पी के ए वन माइनस लॉग सी, पी के ए वन माइनस लॉग सी। अब जरा समझने की कोशिश करो, बेसिकली अपने पास तो तीन एसिड है ही, एच थ्री पी ओ फोर, H2PO4- और HPO4 2-, ठीक है, बट इसमें मेन हीरो कौन है पता है? इसमें ये अपना है मेन इलेक्ट्रोलाइट, मेन हीरो यही है, और ये बाकी दोनों साइड हीरो होंगे। ये समझ में आ रहा है सबको एवरीडी? ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि Ka1 नॉर्मली बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसमें के ए वन होता है 10^-4 इस तरह से, के ए टू 10^-6 और के ए थ्री 10^-10। तो एक्चुअली में तीन एसिड तो है ही, बट इसमें मेन हीरो यही है और ये बाकी दोनों एग्जैक्टली साइड हीरो की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली पीएच अपन लिखते हैं हाफ पी के ए वन माइनस लॉग सी, ठीक है गाइज? कोई दिक्कत है? ओके, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, मैं फिर से समझा देता हूं कि हमने किया क्या है। पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर आवाज अटक रही है, एवरीबॉडी कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल टू यू? आपको आवाज आ रही है गाइस? कितने लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है? वन और टू पीपल आर सेइंग प्रॉब्लम्स, इज इट फाइन नाउ? लैग हो रहा है, थोड़ा लैग है। या आई डोंट थिंक इट शुड हैपन बिकॉज़ इंटरनेट कनेक्शन सीम्स फाइन। फाइन, ठीक है, ये लिख लिया है सबने, तो थोड़ा रिवाइज कर लें आज हमने कि इसको क्या किया है, मतलब पॉलीप्रोटिक के अंदर। देखो पॉलीप्रोटिक के अंदर हमने किया यही है कि सपोज अपने पास कोई एक एसिड है H3PO4 टाइप, राइट? अपने पास एक एसिड है H3PO4 टाइप, तो H3PO4 में एक्चुअली में तीन बार डिसोसिएट होता है, वो लिखना है सार्थक, राइट? तो वो तीन बार डिसोसिएट होता है, तो ऐसा मान सके चलते हैं कि तीनों एसिड तो प्रेजेंट होते हैं ना गाइस। ये समझने की कोशिश करो कि वीक एसिड जब हम पानी में डालते हैं तो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में, राइट? हाँ, वही कंक्लूड कर रहे हैं सलोनी, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स दोनों होते हैं पानी में, इज दैट क्लियर? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास एक्चुअली में तीन एसिड्स हैं, इज इट फाइन? ऐसा मान ले तो चलेगा ना गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ऐसा मान ले कि अपने पास तीन एसिड्स हैं तो चल जाएगा। तो बेसिकली जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो वी विल अज्यूम कि वी हैव थ्री एसिड्स, राइट? तो तीन एसिड के लिए मान के हम उसका पीएच कैसे निकालेंगे, रूट अंडर के वन सी वन प्लस के टू सी टू प्लस के थ्री सी थ्री। अब इसमें एक चीज ये है कि के वन सबसे बड़ा होता है, तो मेन हीरो पहला वाला ही डिसोसिएशन होगा, तो उसके हिसाब से बाकी सारे साइड हीरो होंगे, और पीएच अप्रोक्सीमेटली हाफ पी के ए वन माइनस लॉग सी होगा एज पर ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। कोई दिक्कत है गाइस? एवरीडी कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? अब इसके ऊपर छोटा सा प्रॉब्लम करें, धीरे धीरे हम लोग इस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे।
चलेगा ना? तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है H2CO3 का, जिसका Ka1, स्क्रोल अप करो, ठीक है लिखो फिर, डन। ठीक है गाइस, तो अब तुम्हारे पास देखो करना क्या है, तुम्हारे पास है 1 मोलर H2CO3, ठीक है ना। 1 मोलर H2CO3 का आपको Ka1 सपोज दे रखा है 10 की पावर -6, और Ka2 दे रखा है 10 की पावर -10। अब जरा समझने की कोशिश करना, पहला एसिड क्या, अभी तुम्हारे पास दो एसिड्स हैं, H2CO3 और HCO3-, इसका Ka1C1 कितना आ रहा है गाइस, 10 की पावर -6 × 1 का अंडर रूट, ये आ रहा है 10 की पावर -3। इसका Ka1C1 कितना आ रहा है, 10 की पावर -10 × 1, 10 की पावर -5, तो ये 10 गुना से ज्यादा है। तो ये समझ में आया कि ये मेन हीरो है और ये साइड हीरो है। लैग ओके वेट, ओके इज इट फाइन नाउ, आई एम ऑडिबल नाउ, इज और यू स्टिल फील देयर इज लैग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखो यहाँ पे तुम ऐसा मानोगे ना कि तुम्हारे पास एक्चुअली में दो एसिड हैं, H2CO3 और HCO3-, ये तो सबको चमक रहा होगा, H2CO3 पानी का मतलब दो एसिड, ये दो बार डिसोसिएट होता है ना, तो आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में हम ऐसा सोचेंगे कि इसमें एक्चुअली में दो एसिड है, इज दैट क्लियर। तो इसमें जब हम पानी में H2CO3 को डालेंगे तो अपने पास पानी में H+ भी होगा, H2CO3 भी होगा, HCO3- भी होगा, और CO3 2- भी होगा। ये तो सबको चमक रहा है कि ये सारे आयंस पानी में होंगे, ये क्लियर है गाइस? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट, दैट व्हेन H2CO3 विल बी एडेड इनटू वाटर, दीज आर द आयंस व्हिच विल बी ऑब्टेंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? Fine. So these are the ions that we will get in aqueous solution. I hope you guys have understood this. ये चार आयन पानी में मिलेंगे. Fine. ये बहुत अच्छी बात है, सबको चमक गई है. तो अब देखो ये चार आयन में कॉन्सेंट्रेशन हमें सबकी निकालनी पड़ सकती है ना. अब इनमें से मेन हीरो कौन है और साइड हीरो कौन है, बताओ. दोनों इक्वली हीरो तो नहीं है ना गाइज, क्या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है? देखो यहाँ पे एसिड तो ये है ना, एसिड 1 एसिड 2, तो अब मेन हीरो कौन होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका ये मेन हीरो है और ये साइड हीरो है, इतना सबको चमक गया। A1 जो है वो अपना मेन हीरो है, ठीक है। तो H2CO3 जो है डिसोसिएट होगा H+ और HCO3- में, और HCO3- जो है वो फर्दर डिसोसिएट होगा H+ और CO3 2- में। अब H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो H+ कितना होगा गाइज, H+ कितना होगा गाइज 10⁻³। ये कैसे लिख दिया हमने, लिखा ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ये सबको चमक रहा है, एवरीडी H+ कहां से लिखा है, सबको चमक रहा है नहीं चमक रहा? अच्छा अब ये साइड हीरो है राइट, तो इसकी हीरोगिरी तो कोई खास चलेगी नहीं एवरीडी, ये तो साइड हीरो है, इसकी हीरोगिरी कोई खास चलेगी क्या? नहीं ना, तो हीरो गिरी तो इसकी ही चलेगी, तो 10⁻³ लिख दिया H+। यहां समझ में ये चमका कि यहाँ 10⁻³ कैसे लिख दिया एवरीडी? अरे ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है, तो हीरो गिरी तो इसकी ही चलेगी ना, तो H+ दोनों सेम सोल्यूशन में, तो इसका भी तो 10⁻³ ही होगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट। गाइज इज दैट क्लियर, कॉमन आयन इफेक्ट होगा ना,
10 की पावर माइनस 3 लिख दिया, दोनों का सेम क्यों? अरे जरा समझने की कोशिश करो, यदि तुम नॉर्मली सेम नहीं लिखते तो तुम ऐसा लिखते ना C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और यहाँ भी C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 लिखते, तो C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 से बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली C1 अल्फा 1 हो गया ना ये दोनों केस में। समझ में आया? ऐसा लिखते ना C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यहाँ भी लिखते C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, लेकिन एक तो बहुत बड़ा है दूसरे से, तो इसी को आसान भाषा में समझाया कि दोनों में मेन हीरो यही है। इज दैट क्लियर गाइस? जैसे होता क्या था, पानी में HCl डालते थे तो पानी का ही पीएच हो जाता था ना, जैसे मान लो पानी में 10 की पावर -1 मोलर HCl डाल दिए तो पानी का pH 1 आता है, यानी पानी में ही अब H+10 की पावर -1 है और OH-10 की पावर -13 हो गया। समझ में आया? तो HCl डालने के बाद वाटर में क्या होता है, वाटर का डिसोसिएशन रुक जाता है लेकिन OH- कम हो जाता है और H+ जो HCl से आता ही है। अभी समझ में आया 10 की पावर -3 क्यों लिखा गया? इसमें किसी को डाउट है कि 10 की पावर -3 यहाँ नीचे क्यों लिखा है? इसमें किसी को डाउट है कि ऊपर से यहाँ नीचे कोई छाप क्यों दिया? अब जरा देखो HCO3- कैसे निकालोगे? एवरीडी HCO3- कैसे निकालोगे? HCO3- भी तो 10 की पावर -3 ही होगा एवरीडी। ये समझ में आ रहा है? ये आयन जितना यहाँ है उतना यहाँ भी होगा। अब जरा देखो, ये तो साइड हीरो है ना, तो इसकी हीरोगिरी तो ऐसे भी नहीं चलनी, तो ये यहाँ पे 10 की पावर -3 था तो यहाँ भी तो 10 की पावर -3 होगा। ये चमक रहा है सबको, यहाँ 10 की पावर -3 क्यों लिख दिया? इसके सामने इसकी हीरोगिरी तो चलेगी ही नहीं, तो ये तो 10 की पावर -3 ही रहेगा, राइट? तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है CO3 2-, ठीक है? अब हमें निकालना है CA3 2-, तो CO3 2- कैसे निकालेंगे? Ka2 से। CO3 2- कैसे निकालेंगे? Ka2 से। इज दैट क्लियर गाइस? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो यदि कहीं भी चमकने में समस्या हो तो पूछ लिया करो। HCO3- का 10 की पावर -3 कैसे आया? अरे एक बात बताओ सिद्धेश, यदि तुम HCOCO3 को ऐसे डिसोसिएट कराते हो और H+ बनाते हो और HCO3- बनाते हो, ये C1 था, 0 0 इधर लिख दोगे, ठीक है? मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ फिर स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर। तो जब तुम यहाँ पे C1- ऐसा लिखोगे C1- C1 अल्फा, और यहाँ लिखोगे C1 अल्फा, और यहाँ भी तो C1 अल्फा ही लिखोगे ना, तो ये दोनों सेम नहीं होगा क्या? समझ में आ रहा है? चमक रहा है नहीं चमक रहा? तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा। क्लियर है? ओके, तो अब जरा समझते हैं हम कि CO3 2- कैसे निकालेंगे। तो Ka2 अपना 10 की पावर -10 है और ये H+10 की पावर -3 है, CO3 2- अपने को निकालना है, ठीक है? और ये 10 की पावर -3 है, तो CO3 2- आ गया गाइस 10 की पावर -10। तो तुम्हें नहीं लगता है हमने सारे आयन्स निकाल लिए बिना कोई खास टेंशन के? और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम्हें CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब इसको मैं, किसी को चमकने की समस्या है, बल्ब जल नहीं रही है, तो बताओ मैं फिर से समझा दूं कैसे किया है? एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो हमने सबसे पहले देखा क्या कि H+H2CO3 को पानी में डालेंगे, मैं फिर से ही बता देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? H2CO3 को पानी में डालेंगे तो ये सारे आयंस पानी में रहेंगे, ये समझ में आ रहा है? H2CO3 को पानी में डालोगे तो ये सारे आयंस पानी में रहेंगे, ये तो चमक रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन हीरो ये है, साइड हीरो ये है, ये समझ में आया? मेन हीरो ये है, साइड हीरो ये है, तो हीरोगिरी इसकी चलेगी, तो H+ यहां से आएगा और ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कभी हीरो था ही नहीं, यही है ना कंसेप्ट? तो अब जरा देखो, यहाँ पे H+ हमने लिख दिया 10 की पावर -3 और ये दोनों बराबर है तो ये भी 10 की पावर -3, यहां तक कोई दिक्कत? ये तुम 1 -10 की पावर -3 लिख सकते हो, बट ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा, यू कैन राइट दिस एज 1 -10 की पावर -3। अब ये देखो इसके प्रेजेंस में ये तो ऐसे बिहेव करेगा ना, HCO3- का 10 की पावर -3, अरे यहाँ पे तो समझाया आदित्य देख लो, ये क्लियर नहीं हुआ क्या? एसिटिक एसिड भी तुम जब डिसोसिएट कराओगे,
मुझे जो हीरो के उसके थोड़ा कॉपी साइड हीरो का थोड़ा कॉपी करवा, कॉपी कर लेना, टेंशन मतलब अभी। अच्छा ये बात समझने की कोशिश करो, यदि ये जितना है उतना ही ये भी होगा ना यार, इसमें क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें? ये दोनों बराबर ही होने चाहिए। एक मोल से, जरा समझने की कोशिश करो, ये एक मोल से इसका एक और इसका एक बनता है, तो जितने मोल इसके बनेंगे उतना ही इसके भी बनेंगे, तो HCO3 माइनस तो H+ के बराबर ही होगा ना यार, दिक्कत है इसमें। तो ये 10^-3 है, तो ये भी तो K1 10 के बराबर ही होगा ना। ऊपर वाले से रिलेट करके CO3 2- को कैसे आएगा, वो थोड़ी आ सकता है 10^-3। अब ये सारा समझने की कोशिश करो कि ये 10^-3 है, जस्ट मिनट, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ हाँ यहाँ पे थे अपन, तो फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब यार देखो ये साइड हीरो है, तो ये तो ऐसे बिहेव करेगा ना जैसे हीरो है ही नहीं, तो ये तो 10^-3 ही रहेगा ना। इसमें कितने लोगों को दिक्कत है कि यहाँ पे 10^-3 कैसे है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? तो अब ये आ गया, ये आ गया, CO3 2- निकालना है, तो CO3 2- कैसे निकालोगे? 10^-5 क्यों नहीं लिख लिया? 10^-5 क्यों लेंगे? अरे भैया ये तो साइड हीरो है ना एवरेडी, ये तो साइड हीरो है ना। अरे H+ का कॉन्सेंट्रेशन तुम बोल रहे हो या HCO3 2- की कॉन्सेंट्रेशन को बोल रहे हो? सिद्धेश ये बताओ, और आयुष तुम H+ की बात कर रहे हो 10^-5 लेने के लिए? तो H+ यार देखो यहाँ पे 10^-5 है, तो 10^-3 प्लस 10^-5 को अप्रोक्सीमेटली 10^-3 ही लिखेंगे ना। HCO3 2- क्यों 10^-5 लेंगे सिद्धेश? तुम तो अलग बात कर रहे हो यार। HCO3- जब एसिड है, तो ये जो H+ रिलीज करेगा उसकी HCO3- जो है, यदि ये एसिड है, तो ये जो H+ रिलीज करेगा उस H+ के लिए तुम लिखोगे ना रूट अंडर इसका जो K है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अब CO3 2- कैसे निकालोगे? CO3 2- ऐसे निकालोगे कि Ka2, हाँ तो डिफरेंस 10 टाइम्स से ज्यादा ही है ना भाई, 10^-5 और 10^-3 100 गुना का डिफरेंस है, 10 टाइम्स से ज्यादा डिफरेंस है ही। गाइज आर वी क्लियर? 10 गुना से ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्या? 10^-5 और 10^-3 में 10 गुना का डिफरेंस है या नहीं है बताओ? है तो कॉमन एन इफेक्ट लगेगा ना, हीरोगिरी 10 गुना से ज्यादा है तो इग्नोर करते हैं, यही बात करी थी मैंने, राइट? तो अब CO3 2- को Ka2 से इक्वेट कर दिया, तो ये आ गया। और दिक्कत, हम इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मतलब, ये समझ में आया, लिख लो सब, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, टेंशन मत लो। एक और कर लें एवरीडे, एक और कर लें, चलेगा क्या? तो देखो इस बार थोड़ा सा H3PO4 ले लेते हैं, इसका Ka1 आपको दे रखा है 10^-6, Ka2 दे रखा है 10^-10, और Ka3 दे रखा है 10^-14, ठीक है? K3 दे रखा है 10^-14, तो pH फाइंड कर सकते हैं ना। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या था गाइस? H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10^-3 था, तो pH क्या होगा एवरीडी? एवरीडी pH क्या होगा? 3 होगा ना यार, ये तो बहुत आसान काम है, H+ निकाल दिया तो pH तो निकल ही जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? 10^-3 था H+, तो pH 3 हो गया। अब जरा समझते हैं इस चीज को। अब देखो हुआ क्या, H3PO4 को पानी में डालोगे तो कौन कौन से आयंस रहेंगे बताओ? H+ रहेगा क्या? एवरीडे H+ रहेगा, रहेगा। पहले ये बता दो, H2PO4- रहेगा, रहेगा। H3PO4 रहेगा, H3PO4 भी रहेगा, ठीक है? HPO4 2- रहेगा, ये भी रहेगा, और PO4 3- भी रहेगा। अब देखो ये हो गया तुम्हारा एसिड 1,
ये हो गया तुम्हारा एसिड टू और ये हो गया तुम्हारा एसिड थ्री। तो यहाँ मेन हीरो कौन है तुम्हारा? H3PO4। ये चमक रहा है सबको। A1 इज योर प्राइमरी एसिड, तो ये मेन हीरो है, बाकी सारे साइड हीरो है। ये करोगे ट्राई है? मैं बता दूं, यदि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना कि PO43- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आएगा। यदि आपको इस तरह से पूछा जाए कि PO43- का निकालो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही आएगा। तो मैं इन सारे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आदित्य, जितने भी आयंस हैं ना उन सबका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। वेरी गुड, सही है सही है। लास्ट वाला चेक कर लो श्रेयस, बाकी तुम्हारे आंसर्स ठीक है। जो PO43- का निकाले हो ना वो गलत है, बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं गलत है तुम्हारा भावेश, प्रोबेबली योर आंसर इज फाइन। जस्ट ए मिनट, नहीं वो भी गलत है। देखो ज्यादातर लोगों ने एच प्लस तो सही निकाला है, प्रोबेबली वेदांत योर आंसर इज फाइन। लेट मी जस्ट चेक, ठीक है। देखो यहां पे H3PO4 जो है वो डिसोसिएट करेगा एच प्लस और H2PO4- में। H2PO4- जो है, हाँ एक सेकंड, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अभी आएगा HPO4 2- में। HPO4 2- जो है H प्लस और PO4 3- में। अब देखो ये तो सबको समझ में आया ना कि ये 10^-3 कहां से आया, एवरीडी। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, तो ये भी तो 10^-3 होगा और ये 1-10^-3 होगा। ये सबको चमक रहा है, ये 1-10^-3 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? 1-10^-3 कैसे आया, ये 10^-3 कैसे आया, ये 10^-3 कैसे आया? ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। तो ये मेन हीरो है, डिसोसिएट होगा और ये दोनों साइड हीरो हैं, डिसोसिएट नहीं होंगे, राइट, ठीक है, 10^-3, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब जरा सोचो ये जितना, तो ये तीनों रिएक्शन में 10^-3 लिख दिया, चलेगा क्या? एच प्लस तो हर जगह होगा ना, हीरो गिरी तो इसकी ही चल रही है, तो 10^-3 हर जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? यही अपना हीरो है ना, तो इसकी हीरोगिरी हर जगह चल रही, बाकी तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे कभी हीरो थे ही नहीं, राइट, बाकी सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कभी हीरो थे ही नहीं। अब जरा सोचो यहाँ है 10^-3, तो यहाँ भी तो 10^-3 रहेगा ना, ये तो डिसोसिएट कर ही नहीं रहा, तो HPO4 2- कितना आएगा गाइस? H2PO4 2- क्या आएगा? Ka2 is 10^-3 upon 10^-3 into HPO, ये तो इसका Ka2 मैंने कितना दे रखा है? 10^-10 दे रखा है, तो ये Ka2 के बराबर आ रहा है, राइट।
अब देखो ये भी साइड, अब ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, अब कैसे निकालोगे K3 is 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 माइनस। मैंने K3 कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 14 दे रखा है क्या? तो अब निकाल लो कितना आता है, 10 की पावर आई थिंक 21 आना चाहिए, माइनस 21 आ रहा है क्या, चेक कर लो। तो अब देखो बहुत मुश्किल नहीं है ये, बट हमने कितना कम समय में किया इसको, और आयनिक में एक्चुअली एक मुश्किल सवाल माना जाता है ये, मतलब सारे आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का वन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आएगा ये, इजी क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब चीजें तो आसान है, समझ में आ रही है तुम्हें कैसे निकाल रहे हैं? ओके देन राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप लोग इसको। राइट डाउन देन। Done everyone? ओके एक एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा ही चलेगा क्या? ठीक है, अब देखो क्या है, तुम्हारे पास है 1 molar 1 liter H2CO3, ठीक है। Ka1 आपका 10 के पावर माइनस 6 है, Ka2 10 के पावर माइनस 10 है। इसमें 1 mole ऑफ HCl इज एडेड is added to above mixture. अब जो भी आयंस है पानी में सबका निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा सोचो क्या होगा, अब जरा समझते हैं कि हुआ क्या। अभी H2CO3 होगा पानी में, H+ तो ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। HCO3- भी होगा, CO3 2- भी होगा, Cl- भी होगा, बट क्या HCl होगा पानी में? एवरीडी HCl होगा पानी में? एवरीडी HCl नहीं होगा। तो अब जरा सोचो कि मेन हीरो तो HCl है ना, तो अब ये भी साइड हीरो, ये भी साइड हीरो, समझ में आया? एवरीडी अब तो HCl डाल दिया, तो अब मेन हीरो यही होगा HCl, ये भी साइड हीरो, ये भी साइड हीरो, अब मेन हीरो बदल गया। अब सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो अब ट्राई करोगे खुद से? मैं बताऊं, ओके देन ट्राई, सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अब। HCl का Ka की जरूरत क्यों पड़ेगी? HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना भावेश, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है भावेश?
HCl की Ka की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा। भावेश क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड, सही है तुम्हारा आंसर श्रेयस, गुड। डन एवरीवन, सबका बाकी लोगों का आंसर आया। एवरीडी बाकी लोगों का आंसर आया। ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, वेदांत श्रेयस सोनाली वेरी गुड। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, HCl जो डिसोसिएट हो जाएगा तो वो तो सीधा आपको H plus one दे देगा, राइट? H plus और Cl minus दोनों one one दे देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। गाइस आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? H plus और Cl minus दोनों one one आ जाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो बाकी कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, अपना लाइफ एकदम सेटल्ड है, अब चिल मारना है। बाकी सब तो साइड हीरो हैं, मतलब कुछ करेंगे ही नहीं, हीरोगिरी तो अब किसी की नहीं चलनी। तो अब H+ तो हर जगह क्या होगा गाइस, H+ तो हर जगह वन हो जाएगा, राइट? एवरीडी H+ तो हर जगह वन होगा, H2CO3 भी साइड हीरो है तो ये भी वन होगा। HCO3 माइनस कितना आएगा? Ka1 इज 1 इनटू HCO3 माइनस अपॉन 1, यानी Ka1 के बराबर है 10 की पावर माइनस 6, यहाँ 10 की पावर माइनस 6 आ गया, ये भी डिसोसिएट होगा ही नहीं। अब ये Ka2 10 की पावर माइनस 10 इनटू 1 इनटू CO3 2 माइनस अपॉन 10 की पावर माइनस 6, ये 10 की पावर माइनस 16 आ गया। समझ में आ रहा है? एवरीडी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके देन राइट इट डाउन। H2CO3 को 1 हमने कैसे ले लिया? अरे ये साइड हीरो है ना, इस बार मेन हीरो तो ये है, तो इसकी हीरो की तो दिखेगी नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं ना तेजस। ओके तो लिख लिया सबने? ओके तो आगे बढ़ सकते हैं हम या रिवाइज कर लें? आगे बढ़ सकते हैं ना, आपका होमवर्क रहेगा इंटेक्स एक्सरसाइज 3।
आगे बढ़ लें। होमवर्क है आपका इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3। अच्छा कल आप लोगों का कोई टेस्ट है? डू यू हैव एनी टेस्ट टुमारो? तो क्लास रख सकते हैं ना कल, एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, चलेगा? नो ठीक है, आई विल अलाउ वन क्लास टुमारो। ठीक है ओके, तो चलो आज रिवाइज करा देते हैं फिर। टाइमिंग बता देंगे है ना। हाँ सुबह नहीं रखेंगे टेंशन, मतलब ठीक है सुबह नहीं रखेंगे। सुबह नहीं रखेंगे भाई, ओके ठीक है इवनिंग में रख देंगे 6 से 8। एमटी में आने का आएगा, जहां तक कराएंगे उतना ही आएगा। देखो अभी कौन सी फर्स्ट लाइट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइट में तो हमने होमवर्क डिस्कस किया था। कौन से फर्स्ट की बात कर रहे हो? ये था फर्स्ट, इसकी बात कर रहे हो क्या? यही पहला ये इस सीरीज के क्वेश्चन वाले, इस सीरीज के क्वेश्चन वाले मतलब कौन से? ये H2CO3 वाला, ओके H2CO3 वाला। ये इसकी बात कर रहे हो क्या? ठीक है तो लिख लो इसको। नीचे स्क्रॉल करें, ठीक है कर दिया। नहीं थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, होमवर्क डिस्कस कर देंगे कल वैसे, आगे बढ़ जाएं। ये देखो अच्छा होमवर्क आज देखो हमने क्या किया है, रिवीजन कर लेते हैं, होमवर्क कर लेंगे डिस्कस देखते हैं। देखो आज हमने किया क्या है, यदि तुम्हारे पास मिक्सचर है किसका, वीक एसिड बोल लो या बेस बोल लो, ठीक है एवरीडी, तुम्हारे पास मिक्सचर है वीक एसिड का या फिर बेस का, ठीक है गाइस, तो उस केस में H प्लस जो होता है उसको हम लिख सकते हैं समेशन Ka1C1 प्लस Ka2C2 प्लस Ka3C3 इस तरह से, राइट गाइस ये तो याद है ना, यही है, और इसका पीएच हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम, इसका ले लो, इस तरह से चलता जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स। तो देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड की बात करें तो, या फिर बेस की भी बात कर लें, तो H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड 1 अपॉन H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड 2, या तो C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2, यानी रूट अंडर Ka1C1 अपॉन Ka2C2। ये तो आसान है ना गाइस, आई होप इट इज अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या है, यदि पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात हो जाए, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स में एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन H3PO4 की बात कर ले, तो इसमें तीनों रहते हैं, तो ये एसिड 1 हो जाएगा, ये एसिड 2 हो जाएगा और ये एसिड 3 हो जाएगा, जिसमें सबसे तगड़ा एसिड ये है और ये सबसे बेकार एसिड है, बट तीनों एसिड है, एसिड 1 एसिड 2 एसिड 3, राइट। तो H प्लस जो हम लिखेंगे वो वही लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, Ka1 into concentration of acid 1 plus Ka2 into concentration of acid 2, ठीक है guys, plus Ka3 into concentration of acid 3। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब होता क्या है कि ये सबसे तगड़ा है, तो H+ टोटल को हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं क्या,
Ka1 into H3PO4 और इसका pKa pH जो आएगा वो आएगा 1/2 pKa1 minus log C। बाकी आपको पता ही है कि इसको मेन हीरो मान लीजिए और इनको साइड हीरो मान लीजिए और जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं वो वैसे ही कर दीजिए। इज दैट क्लियर? इनमें जो कंसंट्रेशन निकालने वाला काम होता है उसमें वही मान लोगे ना कि ये मेन हीरो और बाकी साइड हीरो है। इनके क्वेश्चंस हमने देखे कैसे करना है। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? सिमिलरली इसमें सपोज HCl भी डाल दिया तुमने, तो अब HCl मेन हीरो हो जाएगा और ये बाकी सब साइड हीरो हो जाएंगे। गाइस, इज दैट क्लियर? तो आज तो हमने इतना ही किया है ना, तुम्हें लगा कि बहुत ज्यादा कुछ किया है आज हमने? कुछ खास तो किया नहीं हमने आज, तीन ही चीजें करी। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये, हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आज हमने करी है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो क्या करें, अभी 10 मिनट अपने पास है, आगे बढ़ जाएं? गाइस क्या बोलते हो, आज के लिए बस? भावेश बोल रहा है आपकी इच्छा, 10 मिनट कर लेते हैं यार, इंट्रोडक्शन कर लेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, इंटेक्स S3 होमवर्क है आपको, कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हो? लैग, अब उस वक्त मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, लैग कहाँ से आएगा? चलो ठीक है, विल मीट देन इन द नेक्स्ट क्लास, फाइन, विल मीट टुमारो, ओके, ठीक है, विल कीप इन द आफ्टरनून, डोंट वरी।